हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं ट्रैफिक में क्लच कंट्रोल कैसे करें, ट्रैफिक में क्लच कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए और कितने नंबर पर गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो बस आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखिएगा। तो दोस्तों, अभी जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, यह गाड़ी है लोडिंग गाड़ी या पिकअप गाड़ी है, और जिस तरह से इस गाड़ी में मैं आप सभी को बताऊंगा, यही नियम हर एक गाड़ी में लागू होता है, हर एक गाड़ी में लागू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ट्रैफिक में क्लच कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आप लोगों को तीन पैडल दिखाई दे रहा होगा, यह है एक्सेलरेटर, यह है ब्रेक और यह है क्लच, और मुझे जो कंट्रोल करना है यह क्लच को करना है, इस क्लच को कंट्रोल करना है। तो देखिए, जब भी हम लोग ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो हमको क्या करना है, पहले तो पूरा गाड़ी रुक जाता है, वहाँ बहुत सारा गाड़ी भी लगा रहता है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमको फर्स्ट गियर डाल लेना है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट गियर डाल लेना है। उसके बाद इस क्लच को कितना करना है, एकदम हाफ प्रेस करके रखना है और आधा ही छोड़ना है, आधा प्रेस करके रखना है और आधा इसको छोड़ना है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से इसको है क्या करना है, एकदम आधा छोड़ेंगे और उस समय तक छोड़ेंगे जब तक मेरा गाड़ी आगे बढ़ने ना लगे। जैसे मेरा गाड़ी आगे तब बढ़ने लगे, उतना भी इसको पैर पे हम इसको क्लच को प्रेस करके रखेंगे, आधा इसको प्रेस करके रखेंगे, आधा तो छोड़ेंगे, मेरा गाड़ी आगे तब बढ़ने लगेगा इसको। उसके बाद क्या करना है, धीरे 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 गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे बढ़ाएंगे गाड़ी को। और जैसे ही अगर मान लीजिए कहीं आगे वाला गाड़ी अगर रुक गया तो क्या करेंगे, इस क्लच को प्रेस करेंगे और ब्रेक को भी प्रेस करेंगे, गाड़ी को इस तरह से रोक देंगे। और जैसे ही फिर से गाड़ी जो है आगे बढ़ने लगेगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ब्रेक पर से पैर हटाएंगे और क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे। पूरा नहीं छोड़ना है, दिमाग में यही बैठाइएगा कि क्लच को पूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा गाड़ी को क्लच को छोड़ेंगे, गाड़ी जो है कुछ रफ्तार भी ले सकता है और आगे वाली गाड़ी में भी कुछ ठोकर लग सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, इस क्लच को मुझे आधा ही छोड़ना है, आधा छोड़ना है और उसके बाद आराम से धीरे धीरे चलाना है, एकदम धीरे धीरे, पूरा क्लच को नहीं छोड़ना है। और कभी कभी एक्सेलरेटर लेंगे, जब मेरा जो गाड़ी आगे तरफ नहीं बढ़ेगा उस समय हम एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे, नहीं तो केवल क्या करेंगे, क्लच को आराम से छोड़ेंगे, एकदम धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे और कभी कभी ब्रेक भी हल्का प्रेस करके रखेंगे, क्लच को छोड़ेंगे और आराम से गाड़ी को बढ़ाएंगे और कभी कभी हौला हौला ब्रेक को भी प्रेस करके रखेंगे ताकि ज्यादा गाड़ी आगे तरफ बढ़े नहीं। तो इस तरह से क्लच को कंट्रोल किया जाता है ट्रैफिक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताया हूँ ट्रैफिक में क्लच कंट्रोल कैसे करें। और दोस्तों, जिस तरह से मैं आप सभी को बताया हूँ वैसा आप लोग कीजिएगा, तभी आप लोग ट्रैफिक में अच्छे से गाड़ी को चला पाइएगा और क्लच को कंट्रोल कर पाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे आप लोगों से फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।